दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारत की लगातार दो T20 मैच में ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा, तो वहीं टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें तो मिर्ची लग गई और फिर अब भारत को नीचा दिखाते हुए उन्होंने जहर उगलते हुए भारत पर जो कह दिया सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। तो आखिर बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहाँ तक कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने क्या कुछ भारत के जीत पर कहा, क्यों उन्होंने टीम इंडिया का उड़ाया मजाक, उन सबको चौंका देने वाले बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन बेहतर कप्तान है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला एक बार फिर पल्ले केले क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन श्रीलंका की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई, भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर दोनों ओपनर प्रहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अर्शदीप ने टीम को मैच में वापसी कराई। मगर फिर कुशल परेरा का जबरदस्त तूफान देखने को मिला, घातक अंदाज में बल्लेबाजी की, भारतीय गेंदबाजों को जमकर कूटा और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। 20 ओवर में भारत के सामने केवल 161 रन 9 विकेट खोकर बना पाए। इसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम, लेकिन तभी बारिश ने मैच को किरकिरा कर दिया, जिसके बाद 8 ओवर का गेम खेला जाता है और टीम इंडिया के सामने 78 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके बाद तो यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के गेंदबाजों को निशाना बनाया और जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया को बड़े ही आसानी से ऐतिहासिक जीत दिला दी। और इस जीत के साथ टीम इंडिया 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर ली और भारतीय टीम ने पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। हर कोई सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग की तारीफ करने लगा, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान टीम इंडिया के श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत देख कर हैरान हो गया है। उन्हें तो मिर्ची लगने लगी, उनके बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भारत की जीत पर ऐसा जहर उगला जिसे सुनकर हर कोई दंग हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इन सभी खिलाड़ियों का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ भारत की जीत पर कहा है। बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा कि भारत की टीम कितनी खतरनाक है ये तो आज हमने अंदाजा लगा लिया। गौतम गंभीर ने बेहतरीन कोचिंग दिखाई, वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी कप्तानी की। वैसे तो श्रीलंका जैसी टीम को हराना बहुत आसान है, दम हो तो हमें हरा के दिखाए। श्रीलंका जैसी टीम से सीरीज जीतना काफी आसान है, इनके घमंड को हम चूर चूर कर देंगे। वहीं मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने शानदार कप्तानी दिखाई, मैं जितनी भी तारीफ करूं इनकी कम है, लेकिन श्रीलंका जैसी टीम को हराकर वाहवाही लूटना नहीं चाहिए। श्रीलंका बहुत कमजोर टीम है, हिम्मत हो तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें हरा के दिखाए, हम असली औकात भारत को दिखा देंगे। वैसे भी भारत की टीम कुछ खास नहीं है, गंभीर सर की कोचिंग की वजह से टीम ने ये जीत दर्ज की। साथ ही साथ नसीम शाह भारत की जीत पर हैरान होते हुए कहे कि मैच देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, मैं तो श्रीलंका की जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन अचानक भारतीय बल्लेबाजों ने मैच को पलट दिया, ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। सूर्य कुमार यादव ने शानदार कप्तानी दिखाई, गंभीर सर ने अच्छी कोचिंग दी, जिसकी वजह से टीम ने जीता, वरना श्रीलंका की टीम भी हद मजबूत है, भारत काफी कमजोर नजर आ रही है। रोहित कोहली को हर कोई मिस कर रहा है, उनकी कमी टीम को खल रही है। तो वहीं शाहिन शाह अफरीदी ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि श्रीलंका को हराना काफी आसान है, टीम इंडिया ने आसानी से हरा दिया, हिम्मत हो तो हमें हरा के दिखाए, हमारे गेंदबाज तो हर बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे, हमारी टीम बेहद मजबूत है, मैं खुद एक एक बल्लेबाजों को पवेलियन का राह दिखा दूंगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अच्छी कप्तानी की, गंभीर सर ने भी अच्छी कोचिंग का नजारा दिखाया और टीम को तैयार किया है, अच्छी प्लेइंग 11 तैयार की, वरना श्रीलंका ये मुकाबला भी जीत जाती। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे बेहतर कप्तान है, कॉमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।